हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत राठौर, सिंगल ट्रैवलर, आपका दोस्त। अभी हमने किशनगढ़ छोड़ दिया है, अभी हम चंडीगढ़ की ओर रवाना हो चुके हैं। तो आज का जो दिन है, आपका भी शुभ हो, मेरा भी शुभ हो। तो मैं जाते जाते जो कुछ नया सीन्स है, जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करते चलूँगा। तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के हाईवे के बीच का जो रास्ता है, मतलब हाईवे है, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो है, ट्रक वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा है और जगह जगह रास्ते का लेवल नहीं है, इसलिए ज़रा गाड़ी चलाने में दिक्कत भी होती है और ट्रक वाले कौन से भी लाइन में घुस जाते हैं आड़े तीड़े। तो राइड करते समय ज़रा ध्यान से ही राइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये सोनीपत मार्ग है जो चंडीगढ़ की ओर जाता है। तो आप जो आगे देख रहे, रास्ता पूरा सुनसान, पूरा खाली पड़ा है ये रास्ता, क्योंकि अभी धूप इतनी ज़्यादा है तो बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी हमारा जो गियर है, उस गियर में तो इतना, मतलब गर्म हो रहा है ऐसा कि पूरा पसीना निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये देखो पूरा रास्ता सामसू में है ना, एक ठंडा ठंडा डर्मिकोल, वो ऐड अभी याद आ रही है मुझे। दिल्ली में तो इतना टेम्परेचर है, उधर नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में भी इतना नहीं होगा, इतना टेम्परेचर इधर दिल्ली में है। अभी क्या हो रहा है, हमने सुबह 6 बजे जर्नी स्टार्ट की थी किशनगढ़ से, तो अभी तक मेरे हिसाब से हमारा जो है 350 किलोमीटर का ही मतलब रनिंग का टूटा हुआ है। अभी इधर आपको जो टाइम दिखा रहा है वो 12:30 बजे, अभी मतलब आज ज़्यादा रनिंग नहीं हो रहा है आज। और 100 किलोमीटर जाने के बाद हमको रुकना पड़ रहा है एक आधे घंटे के लिए, क्योंकि गाड़ी का जितना स्पीड बढ़ाएगा तो गाड़ी का स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है, 80-90 तक ही जा रहे हैं, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। या मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में पानी पानी और इधर दिल्ली में कुछ नहीं, गर्मी गर्मी, क्या बात है नेचर की। की याद आ रही है, मैं जो हम फैमिली के साथ 2017 में आए थे और यहाँ से ही टेम्पो ट्रैवलर करके हम शिमला और ऊपर रोहतांग को गए थे। दिल्ली के चारों ओर हाईवे बिछे हुए हैं, इधर एक हाईवे लगा, पीछे तो एक दो किलोमीटर पे हाईवे ऐसे बीच नीचे से या ऊपर से गया है, पुल बना के या नीचे अंडरग्राउंड से। ये देखो रास्ते के दोनों बाजू नीलगिरी के प्लांट है, एक लाइन एक सीधा दिख रहे है, उस बाजू भी है, इस बाजू भी है। फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी हम चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। अभी हमने सोचा था कि डायरेक्टली शिमला जाएंगे, लेकिन क्या है, थोड़ा सा इधर मोबाइल की एक्सेसरीज और कुछ गर्म कपड़े लेने हैं, तो अभी हम चंडीगढ़ में ठहरने वाले, सुबह जल्दी शिमला के लिए निकलेंगे। तुम्हें देखो पुमा का शोरूम है, शिमला के लिए तो कल ही निकलने वाले। पंजाब चंडीगढ़ का
ट्रैफिक इधर चंडीगढ़ में भी गर्मी बहुत है। आज दोपहर तो सोनीपत दिल्ली में बहुत गर्मी का सामना करना पड़ा। ये कहाँ सिग्नल? अजय जी ठहरने का ना अभी इधर चंडीगढ़ में स्टे करने का? खरीदी भी कुछ खरीदारी है आपकी, शॉपिंग भी है? ठीक है ठीक, कुछ गोल्ड बिल्ड लिया तो हमको भी थोड़ा दे दो, 1-2 किलो। पूरा ग्रीन है, एक जैसी झाड़ी रास्ते के दोनों तरफ है चंडीगढ़ में, मतलब ग्रीन सिटी तो है। परेशान हो गए, उसे जाके पहले आऊँगा बाद में बाहर आऊँगा। बाग देखिए कितनी बड़ी है, मेन सेंटर में है सिटी के, पार्क है या कुछ और मालूम नहीं, लेकिन पूरा एक जैसा ही लाइन से लगाया हुआ है पूरा प्लांटिंग है। इधर से देखो या इधर से देखो, एक लाइन में दिखा रहे पूरा, पूरा लाइन में है। बड़े सर्कल है एक जैसे, अभी तो हमने 3 पास किए, अब ये चौथा है। इधर ग्रीनरी मेंटेन की हुई है,